हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह है कि फाइव आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स आर प्लेस्ड इनसाइड अ स्क्वायर विद एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन को कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर पांच आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स को इस तरह से प्लेस किया गया है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक समान, जिसका लेंथ और ब्रेथ एक ही जैसा होगा। तो जिस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है तो एरिया भी इक्वल होगा। मतलब ये है कि पांचों रेक्टेंगल्स का एरिया भी इक्वल होना है, वैसे रेक्टेंगल्स को स्क्वायर के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के साइड को पता करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो स्क्वायर का साइड इक्वल्स होता है रूट अंडर एरिया। तो एरिया को रूट के अंदर डालेंगे यानी साइड इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 324 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 18 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का साइड हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को इस रेक्टेंगल में, क्योंकि ये पांचों रेक्टेंगल जो है ये आइडेंटिकल है यानी लेंथ और ब्रेथ सबका इक्वल है, इसीलिए हम लोग अगर इस रेक्टेंगल के लेंथ को एक्स मानते हैं, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो इस ये रेक्टेंगल का ब्रेथ हो जाएगा वाई, ठीक है, और फिर से इस रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का लेंथ है एक्स, है ना, और सिर्फ यहाँ से यहाँ यानी जो कि ये रेक्टेंगल का ब्रेथ है इस वाले रेक्टेंगल का, ये है वाई। तो पूरा है एक्स और ये है वाई, तो ये जो है इसका लेंथ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वाई हुआ, इसका मतलब है ये लेंथ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। चलिए, अब हम लोगों को ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पता हो गया है, तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस, यानी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सबको ऐड करेंगे, इक्वल कितना होगा 18 सेंटीमीटर। तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल होगा 18 सेंटीमीटर। 3x इक्वल 18 सेंटीमीटर, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो साइड है इस साइड का लेंथ भी क्या होगा, वही होगा 18 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये y है ये लेंथ, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा x और फिर यहाँ तक x और फिर ये y, ठीक है। तो y प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल फिर से हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स 18 सेंटीमीटर, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी x प्लस वाई बराबर 9 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे कि x जिसको हमने पहले ही फाइंड कर लिया था उसका वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। तो 6 प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो y इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का और y का लेंथ हम लोगों को पता हो गया, तो इसका मतलब है
किसी भी इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल का लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को पता हो गया, ठीक है, क्योंकि इस रेक्टेंगल का लेंथ हमने एक्स माना था और ब्रेथ क्या था वाई, तो एक्स का वैल्यू आया 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ वाई जो था उसका वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एक्स इंटू वाई इक्वल 6 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।